नेक्स्ट क्या है? बीएफटी है। बीएफटी किसके लिए है? जब कभी एज वेट नहीं गिवेन हो, नो एज वेट, ठीक, जब कभी एज वेट नहीं गिवेन है, क्या लिखेंगे? नो एज, नो एज वेट, एज वेट नहीं गिवेन है। पॉजिटिव के लिए अच्छा कौन था? दूसरा था। नेगेटिव के लिए बेलमैन फॉर था। अगर एज वेट नहीं गिवेन है तो बीएफटी करते हैं। बीएफटी का फुल फॉर्म क्या है? ब्रेथ फर्स्ट ट्रावर्सल। इसका फुल फॉर्म क्या है? ब्रेथ फर्स्ट ट्रावर्सल, ब्रेथ फर्स्ट ट्रावर्सल है, ठीक, बीएफटी। अब कैसे करते हैं इसको, किस तरीके से इम्प्लीमेंटेशन इसका है, बहुत ही शॉर्ट में है, बस वन टाइम देखो समझ जाओगे अच्छे से, ठीक। हम लोग एक ग्राफ को बनाते हैं, पहले सबसे पहले एक ग्राफ बनाएंगे, ठीक। तो एक ग्राफ बनाते हैं, मान लो एक एज को थोड़ा और अच्छा बनाते हैं यार, लो हमसे, हम ग्राफ दिखने में ग्राफ जैसा लगना चाहिए, फील आना चाहिए क्या। चलो कैसा ग्राफ बन गया ये, कोई दिक्कत नहीं है, हम ऐसा ही कुछ ग्राफ बनाने ही वाले थे, पहले से सोचे थे। चलो ऐसा बन गया, यहां से यहां आ गया, ठीक है, और बना लें, लो इतना बड़ा ग्राफ बना दिए। अब सब वर्टिसेस को ना नेमिंग कर लेते हैं, क्या ए बी, यहां सी है, यहां डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, सब हो गया ना, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, ठीक। अब एज वेट सबका असाइन कर देते हैं, एज वेट कितना है ही नहीं, एज वेट नहीं होगा, ध्यान दो, एज वेट नहीं होगा, ठीक। अब बीएफटी करना है, तो बीएफटी कहां से करेंगे भाई, कहीं से भी हम स्टार्ट कर सकते हैं, एक स्टार्ट करते हैं, मान लेते हैं डी से स्टार्ट करना है, एज्यूम करते हैं डी से स्टार्ट करना है, डी से हम लोग स्टार्ट करने का सोचते हैं। इतना बड़ा ग्राफ का एक बार हम बताएंगे, समझना है अच्छे से, समझ में आएगा, बहुत ही आसान चीज है, कुछ नहीं है। नाम क्या है? ब्रेथ फर्स्ट ट्रैवर्सल, मतलब कि लेंथ में नहीं काम करेगा ये, ब्रेथ में काम करेगा। कैसे काम करेगा भाई? सबसे पहले डी से स्टार्ट करना है ना, डी पर हम लोग गए, डी पर हम लोग गए, डी को यहां लिख लिए, ठीक। अब उसके बाद में देखेंगे डी का एडजेसेंट कौन कौन है, डी का एडजेसेंट कौन है, सी है, ए है और ई है, तीन वर्टेक्स है जो डी का एडजेसेंट है, कौन कौन, ए सी ई डी लिखे हैं, तो डी के एडजेसेंट जो भी है उसको पहले हम लिखेंगे, डी का एडजेसेंट जो भी है उसको हम पहले लिखेंगे। तब तीन है भाई, तीनों में पहले किसको लिखे, किसी को भी लिख सकते हैं, ए सी ई, ए सीक्वेंस में भी लिख सकते हैं, या फिर सी ए ई, या फिर ई सी ए, या फिर ई ए सी, कोई भी सीक्वेंस हम लिख सकते हैं, लेकिन डी लिखे हैं इसका एडजेसेंट ही लिखना है। मतलब क्या, मान लेते हैं लिख लिए ए सी ई, क्या लिखे यहां पर, ए सी ई, डी का एडजेसेंट तो हम लोग लिख लिए, नेक्स्ट में पहले डी लिखे फिर नेक्स्ट डी का एडजेसेंट लिखे हैं। अब उसके बाद क्या करेंगे, तो डी का एडजेसेंट क्या क्या लिख सकते थे, ए सी ई लिखे हैं हम लोग, यहां पर सी ए ई भी लिख सकते हैं क्योंकि तीनों एडजेसेंट है। अब एडजेसेंट में कौन पहले लिखना है ये डिफाइंड नहीं है, कोई भी लिख सकते हैं। तो बोलो तो मल्टीपल आंसर आएगा, हाँ मल्टीपल आएगा, वही बोलने वाले हैं, मल्टीपल ही आएगा, यहाँ पर पॉसिबिलिटी है मल्टीपल का, मल्टीपल आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, एक से ज्यादा आंसर होगा, ठीक, कोई भी लिख सकते हैं। अब उसके बाद एक चीज नोटिस करना है, क्या
जब डी का एडजेसेंट हम लोग लिख लिए हैं, डी का एडजेसेंट जब तीनों हम लोग लिख लिए हैं, इसके बाद का स्टेप में करना क्या है हम लोग को, कि जो एडजेसेंट लिखे हैं डी में ना, जो सबसे पहले लिखे हैं उसका एडजेसेंट अब आगे लिखना है। ए सी में सबसे पहले क्या लिखे हैं, सबसे पहले ए लिखे हैं, तो ए का एडजेसेंट अब आगे लिखना है हम लोग को। ठीक, ए का एडजेसेंट, ए कहाँ है, यहाँ। ए का एडजेसेंट क्या है, डी है, सी है, बी है, तो डी पहले ही लिखा जा चुका है, सी भी लिखा जा चुका है, बचा कौन है, रिमेनिंग बी बचा है, तो ए का एडजेसेंट क्या बचा हुआ है, बी, तो यहाँ लिख दिए बी, बी लिख दिए, बी क्या बना है, ए का एडजेसेंट, फिर आगे क्या लिखना है, सी का एडजेसेंट, ए के बाद क्या आएगा, सी आएगा, सी का एडजेसेंट कौन कौन है, सी यहाँ, सी का एडजेसेंट क्या है, ए है, बी है, डी है, देखो तो ए यहाँ है, बी यहाँ है, डी यहाँ पहले लिखा जा चुका है, फिर क्या है, और ई है, ई भी लिखा हुआ है, फिर क्या है, एफ है, तो एफ केवल बचा हुआ, एफ को लिखेंगे, केवल केवल एफ को लिखेंगे। एडजेसेंट बहुत सारा है, लेकिन जो पहले से लिखा हुआ है उसको रिपीट नहीं करेंगे, उसको रिपीट नहीं कर सकते हैं, जो नया है, नहीं लिखा हुआ है, नन विजिटेड है, विजिट नहीं किया हुआ, उसको केवल लिखना है वहां पर। ठीक, अब सी का एडजेसेंट भी हम लोग लिख लिए, अब आएंगे किसका, ई का एडजेसेंट का, ई कहाँ, ई का एडजेसेंट ई यहाँ पर है, ई का एडजेसेंट देखो डी है, सी है, बी है, एफ है, देखो डी सी बी और एफ सारा है पहले से लिखा हुआ, केवल जी नहीं लिखा हुआ है, जी नहीं लिखा हुआ है, तो ई का एडजेसेंट में क्या करेंगे, जी लिख देंगे, जी लिख देंगे, देखो ये सबका एडजेसेंट लिख लिए, अब इसके बाद क्या है, बी आया है, तो बी का एडजेसेंट अब आगे लिखना है, बी आया है, बी का एडजेसेंट लिखेंगे, बी कहाँ, यहाँ है, बी का एडजेसेंट कौन कौन है, ए सी ई एफ, ए सी ई एफ सारा लिखा हुआ, मतलब तो बी ओवर हो गया, अब एफ पर जाते हैं, एफ का एडजेसेंट लिखना है, एफ में क्या क्या है, बी सी ई जी, देखो बी सी ई जी यहां तक लिखा हुआ, बी के एडजेसेंट में नहीं, एफ का एडजेसेंट में केवल जे नहीं लिखा हुआ है, एफ का एडजेसेंट में जे है, जे नहीं लिखा हुआ है, तो जे को यहां पर लिख देंगे, जे को यहां पर लिख दिए। ठीक, अब क्या हो गया, एफ का एडजेसेंट हम लोग लिख दिए, और कोई है क्या, एफ का एडजेसेंट और कोई नहीं है, बस इतना ही था, अब उसके बाद क्या लिखना है, जी का एडजेसेंट लिखना है, जी का है, जी यहाँ है, इसका एडजेसेंट कौन कौन है, ई एफ जे एच, देखो ई पहले से है, एफ पहले से है, जे पहले से है, एच नहीं है, तो एच को यहाँ लिख लेंगे, एच को यहाँ लिख लिए, अब क्या हो गया, जी का एडजेसेंट भी लिख लिया हम लोग, उसके बाद क्या करेंगे, जे पर आएंगे, उसके बाद जे पर आएंगे, जे का एडजेसेंट लिखना है, जे का एडजेसेंट कौन कौन है, एफ जी आई, क्या हो गया, एफ यहाँ है, जी यहाँ है, आई नहीं लिखा हुआ है, तो आई को यहाँ लिख लिए, आई पर आ गए, जे का लिख लिया, अब एच पर आते हैं, एच में क्या है, जी है और आई है, देखो जी पहले से है, आई भी पहले से है, लिखा हुआ है, फिर आई पर आते हैं, आई में जे है और एच है, जे है और एच है, लिखा हुआ है, मतलब तो कोई नया नहीं है, बचा है सारा लिखा हुआ है, यही हम लोग का बी एफ टी सिक्वेंस, यही हम लोग का हो गया, बी एफ टी सिक्वेंस यही है, बोलो यही सिक्वेंस पॉसिबल है क्या, नहीं, इससे ज्यादा भी पॉसिबल है, बहुत ज्यादा पॉसिबल है, कैसे, जो हम डी लिखे थे, डी के बाद ए सी ई लिखे थे, तो मान लो डी से ही स्टार्ट करते हैं हम, और ए सी ई लिखे थे ना, डी के आंसर में क्या था, ए सी ई लिखे थे ना, हम लोग ए सी ई ना लिख कर हम लोग सी ए ई लिख देते, तो क्या बनता, अब सी का आंसर लिखना था, सी का आंसर, सी कहाँ गया, यहाँ पर है, इसका आंसर क्या है, जिसको नहीं लिखे है, बी है और एफ है, क्योंकि तो बाकी डी ए ई तो लिखा हुआ है, तो बी है और एफ है, इसका आंसर क्या है, बी है और एफ है। ठीक, ये किसका लिख लिए, सी का लिख लिए, अब ए पर आते हैं, ए का एडजेसेंट क्या है, सब लिखा हुआ, बी लिखा हुआ है, फिर ई पर आते हैं, ई कहाँ है, ई का यहाँ है, ई का एफ लिखा हुआ है, जी एक बचा हुआ है, एफ लिखा हुआ, जी एक बचा हुआ है, तो जी एक, ई का लिख लिए, ऐसे टिक भी करते जा सकते हैं ऊपर में, अब बी पर आते हैं, बी पर आएंगे, बी कहाँ है, बी, बी का सब कुछ लिखा हुआ है पहले से ही, बी वी ओवर हो गया, एफ का देखते हैं, एफ का क्या है, एक नया क्या है, जी और जे, जी लिखा हुआ है, एक नया जे आने वाला है यहाँ पर, तो क्या करेंगे, जे लिख लिए, अब एफ भी ओवर हो गया, अब जी पर आते हैं, जी पर आते हैं, जी में नया क्या है, एच है,
जे तक तो लिखा हुआ है, एच नया आया है तो एच लिख लिया यहाँ पर, जी भी ओवर हो गया, फिर जे में जाएंगे, जे में गए, नया क्या है, आई आया हुआ है, पहले से सब लिखा हुआ है, एक ही लिखा है, आई आएगा, तो आई आ गया, और कोई बचा है क्या, जे भी ओवर हो गया, एच में आए, बस आई और जी है, पहले से लिखा हुआ है, देखो यहाँ पर कितना था, वर्टेक्स 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, यहाँ कितना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, कितना जल्दी हम लिख दिए, लिख लिए ना। पर इसमें क्वेश्चन कैसे आएगा, क्वेश्चन क्या आएगा, एक सीक्वेंस दे देगा, एक सीक्वेंस दे देगा कुछ भी, और चेक करना होगा क्या, चेक करना होगा क्या कि ये बीएफटी है या नहीं है, या फिर पूछ लिया कि बीएफटी कौन है, एक सीक्वेंस ए है, ए सीक्वेंस मिल गया सही है, लेकिन मान लो सीक्वेंस पहले से दिया हुआ है, चेक कैसे करेंगे बीएफटी है या नहीं, उसके लिए जितना भी पॉसिबल केसेज है सब लिखना होगा, पॉसिबल केसेस तो बहुत ज्यादा है, क्योंकि तो मान लो इसका 3 है, 3 factorial पॉसिबिलिटी यहां पर ही है, 3 एलिमेंट है, 3 factorial यहां है, बाकी आगे में बहुत सारा पॉसिबिलिटी ऐसा बन जाएगा, इसलिए हम लोग सारे केस को नहीं लिखेंगे, अगर चेक करना रहे कि ये सब में से गिवन सीक्वेंस मान लो है, बहुत सारा सीक्वेंस अगर गिवन है, उस सीक्वेंस में से कौन सा बीएफटी है कौन नहीं है चेक करना रहे, उस सीक्वेंस के हेल्प से हम लोग चेक करेंगे, कैसे चेक करेंगे, देखो मान लो यहां पर सीक्वेंस एक है, ई एफ जी जे आई, ई एफ जी जे आई, उसके बाद सी डी, सी डी ए बी, ए बी ए बी, एक सीक्वेंस लिखना चाह रहे हैं जिसमें सारा कवर हो और एच लास्ट में, एच है, मान लो पूछ ले एक सीक्वेंस है, ऐसा ऐसा और भी सीक्वेंस होगा, ये सीक्वेंस बीएफटी है या नहीं है, मान लो क्वेश्चन में पूछ ले ये जो गिवन सीक्वेंस है बीएफटी है या नहीं है, तो कैसे चेक करेंगे, ई से स्टार्ट किया है ना, ई इसका सोर्स है ना, ई पर जाते हैं, ई कहाँ है, देखो ई पर आते हैं, ठीक, अब ई के बाद क्या रहना चाहिए था, ई के बाद क्या होना चाहिए था, ई का जितना भी एडजेसेंट है सब होना चाहिए था लाइन से, ई का एडजेसेंट, ई का एडजेसेंट कौन कौन है, ई का एडजेसेंट कौन कौन है, यहां लिखते हैं ई का एडजेसेंट को, यहां लिख लेते हैं, कौन कौन है, डी सी बी एफ जी, क्या क्या है, डी सी बी एफ जी, 5 ही है ना, 1, 2, 3, 4, 5, हाँ डी सी बी एफ जी, ई का एडजेसेंट 5 है, 5 वर्टिसेज है जो ई का एडजेसेंट है, 5 वर्टिसेज है, तो ये अगला जो नेक्स्ट 5 आना चाहिए, नेक्स्ट 5 जो आना चाहिए वर्टेक्स का सेट जो आना चाहिए, जो यही 5 आना चाहिए, इसका सीक्वेंस चेंज हो सकता है, लेकिन ये 5 ही रहेगा किसी भी सीक्वेंस में, मान लो पहले जी लिखा रहे फिर बी लिखा रहे, कोई भी सीक्वेंस रहे, लेकिन आएगा यही 5, यहां देखो क्या है, एफ जी जे आई सी, एफ आया जी जे आ गया है, जे कहां से आ गया है बताओ, एफ जी के बाद, एफ और जी तो सही है, जे आ गया, जे कहां आया, यहां पर ही गलत हो गया, यहां पर गलत हो गया, अब बी एफ टी नहीं रहा, मतलब कि यहां पर गलत हो गया, यहां पर ही गलत हो गया है, समझ रहे हो बात को, मान लो कोई और सीक्वेंस ऐसा दिया रहता, ऐसा कितना भी सीक्वेंस दिया रहे, कुछ भी दे सकता है, मान लो ऐसा रहता कि एक सीक्वेंस ई एफ बी जी डी सी ए बी एच, कितना होगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, बचा क्या है, ए बी सी डी ई एफ जी बचा है, एक जी ले लेते हैं, चलो नहीं नहीं जी यहाँ था पहले से, सॉरी जी है यहाँ, जी एच आई जे है, आई बचा है, आई बचा है और जे, कितना टोटल है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, यहाँ क्या है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ये कोई रिपीटेशन है शायद, देखो यहाँ पर, हाँ बी का देखो रिपीटेशन हो गया है,
बी यहां भी था वहां लिख दिया। मान लो ये सीक्वेंस दे दिया, अब इस सीक्वेंस को चेक करना है सही है या नहीं है, ऐसा ऐसा चार सीक्वेंस होगा, बहुत कम टाइम में चेक हो जाएगा। देखो कितना कम टाइम में चेक होगा, स्टार्टिंग ई से करना ना है, ई से स्टार्ट किए ना, ई का आर्डर क्या था, डी सी बी एफ जी, डी सी बी एफ जी यही आना चाहिए था। देखो यहां पर एफ एफ आया, बी बी आया, जी जी आया, डी डी आया, सी सी आया, यहां तक सही है, यहां तक अभी आए हैं, यहां तक सही है, कोई दिक्कत नहीं है। इसकी आगे देखते हैं क्या आना चाहिए था, यहां पर एफ का जो ई का, जब ई का जितना भी एडजेसेंट ले लिए हैं सब आ गया, फिर क्या आना चाहिए, एफ आया है यहां पर नया, एफ का एडजेसेंट यहां पर आना चाहिए था। एफ कहां पर है, देखो एफ यहां पर है, एफ का एडजेसेंट क्या है, बी सी जो कि पहले ही आ चुका है, बी और सी पहले आ चुका है, जी भी पहले आ चुका है, एफ का एडजेसेंट जे एक बचा हुआ था, जे अभी नहीं आया है। एफ का एडजेसेंट में देखो बी सी ई जी जे, यहां पर लिख लो बी सी, बी सी ई जी जे, बी सी ई जी जे, ये इतना जो है, ये जो इतना है ये सब है एफ का एडजेसेंट है, यही यहां पर लाइन से आना चाहिए था। लेकिन इसमें से बी देखो पहले आ चुका है, सी भी पहले आ गया है, ई भी पहले आ गया है, जी भी पहले आ गया है, बचा है जे, यहां पर जे होना चाहिए था ना, यहां पर जे होना चाहिए था ना, जबकि ये लिखा हुआ है, ये सीक्वेंस गलत हो गया, समझ रहे हो, सीक्वेंस दिया रहेगा, सीक्वेंस गलत देखना है केवल, आराम से देख लेंगे। नेक्स्ट जो आना चाहिए, जो एडजेसेंट आना चाहिए, बस वही सीक्वेंस ऑर्डर में चेक करना है, और कुछ नहीं है इसमें, समझ रहे हो। और नंबर ऑफ बी एफ टी अगर सीक्वेंस पूछ दे, नंबर ऑफ बी एफ टी अगर पूछ ले, तो नंबर ऑफ बी एफ टी के लिए थोड़ा देखना है कितना पॉसिबिलिटी है इसमें, थोड़ा देखना पड़ेगा इसमें कितना पॉसिबिलिटी है, तो इतना बड़ा ग्राफ वो देगा ही नहीं, जब नंबर ऑफ बी एफ टी का बात कर ले इतना बड़ा ग्राफ नहीं देगा, छोटा ग्राफ देगा जिसमें कि डायरेक्टली सीक्वेंस को बी एफ टी सीक्वेंस ड्रा कर ले सकते हैं। इसमें क्या है, ये तीन आया है, ये तीनों को अगर अरेंज करना चाहेंगे, ये अरेंजमेंट होगा 3 factorial, उसके बाद में ये तीन के बाद का जो आने वाला है उसका अलग अरेंजमेंट होगा, 3 factorial मतलब कि यहाँ 6 हो गया, यहाँ पर भी कुछ और हो गया, मान लो 4 भी साइड में आया, 6 × 4 = 24 हो जाता है, इतना बड़ा ग्राफ का 24 combination पॉसिबल है नहीं देगा, वो छोटा ग्राफ देगा जिसमें 5 possibility हो या 6 possibility हो, 4 possibility हो, ऐसा ही रहे, सारा सीक्वेंस लिख रहे हैं कंपेयर कर लेंगे, तो नंबर ऑफ सीक्वेंस कितना पॉसिबल है, बस यही चीज यहां पर बीएफटी में यही है। तो टाइम कितना लगा, अब देखो टाइम पर आते हैं, टाइम कितना लगा होगा, एक चीज बताओ, जितना भी एज है उसको कितना बार विजिट किए थे, एक बार ही, एक बार लिख लेते हैं आगे बढ़ जाते हैं, एक बार वर्टेक्स को विजिट कर लेते हैं, आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं, मतलब कि वर्टेक्स को भी एक बार विजिट कर रहे हैं, एज को भी एक बार विजिट कर रहे हैं, किसी एज में एक बार जाते, जैसे ई का एडजेसेंट है, ई का एडजेसेंट एक बार देख लिए, काम खत्म हो गया वहां से, फिर किसी और का देखते हैं, मतलब क्या एज में भी एक बार जाते हैं, तो यही मेरा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गया बी एफ टी का, बी गो ऑफ वी प्लस ई, बहुत ही कम टाइम लगेगा, कब लगेगा, कौन से केस में, ऑल केसेज, ये क्या हो गया, ऑल केसेज, सभी केस में बी गो ऑफ वी प्लस ई लगेगा, सभी केस में ऑल केसेज है, समझ रहे हो बात को, सभी केस में बी गो ऑफ वी प्लस ई लगना ही है बी एफ टी में, क्यों, क्योंकि वर्टेक्स को भी एक बार कम से कम एक बार विजिट करना ही पड़ेगा, और सभी एज को मिनिमम 1 time तो विजिट करना ही करना है, तो क्या हो गया वी प्लस ई, बी गो ऑफ वी प्लस ई ऑल केसेज में, टाइम इतना हो गया, टाइम पूछ ले बी गो ऑफ वी प्लस ई कर लेंगे, अगर सीक्वेंस के बारे में पूछ रहा है तो कैसे गलत प्रूफ करना है वो भी दिखा दिए, कैसे लिखना है सीक्वेंस वो भी सीख गए हो, और कितना कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, जैसे देखो यहां पर क्या था, यहां पर एक सीक्वेंस ए सी ई था, उसके बाद सी ए ई की है, ऐसा बन गया, अब मान लो एक और सीक्वेंस बनता डी के बाद ई ए सी कर लेते, ये भी एक सीक्वेंस बनेगा,
सीक्वेंस बना लेना है, अगर नंबर ऑफ सीक्वेंस पूछेगा इतना बड़ा ग्राफ नहीं हो, छोटा ग्राफ देगा जिसका कि 5 सीक्वेंस या मैक्सिमम 6 सीक्वेंस पॉसिबल हो, मैक्सिमम 6-7 तक, उससे ज्यादा नहीं दे सकता है वो, ठीक है। तो इसको बना लेना अच्छे से, रिवाइज कर लो एक बार। यहां पर हम लोग का ग्रीडी टेक्निक, ग्रीडी एल्गो जो है, ग्रीडी एल्गो ओवर हो गया, खत्म हो गया। इतना मेहनत किए हो, एक अच्छा सा एल्गो, बड़ा सा एल्गो ओवर हो गया हम लोग का। अब सबसे लास्ट टॉपिक पर हम लोग आ जाएंगे, इसके बाद में लास्ट टॉपिक पर आ जाएंगे। वो एल्गोरिथम का सबसे लास्ट टॉपिक है, वो क्या बचा है, वो है डायनेमिक प्रोग्रामिंग। नेक्स्ट है जो डायनेमिक प्रोग्रामिंग है, तो पहले देखेंगे क्या डायनेमिक प्रोग्रामिंग किसको कहते हैं। एक ओवरव्यू हम दे दिए थे लास्ट क्लास में, पिछले वाला जो क्लास हम किए थे बेलमन फोर्ड का, वहां पर डायनेमिक प्रोग्रामिंग के बारे में एक ओवरव्यू बताए थे। नेक्स्ट क्लास में अच्छे से इसको स्टार्ट करेंगे, डायनेमिक प्रोग्रामिंग किस तरीके से इंप्लीमेंटेशन होगा और कहाँ कहाँ एप्लीकेशन इसका है। सेम जैसे ग्रीडी में किए थे, ग्रीडी कैसे काम करता है उसको देखे पहले, फिर कहाँ कहाँ एप्लीकेशन है, तो वही चीजें यहाँ भी देखेंगे, डायनेमिक प्रोग्रामिंग का कहाँ कहाँ एप्लीकेशन है सब कुछ हम देख लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का डायनेमिक प्रोग्रामिंग है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, एक ही टॉपिक बचा है पूरे एल्गो में, इसको भी अच्छे से पढ़ लेना। इसको पढ़ लोगे, पिछला सारा लेक्चर देखा हुआ है, एल्गोरिथम बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगा, बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। किसी भी कंपटीशन हो, कोई और एग्जाम हो, कैसा भी एग्जाम हो, बोर्ड लेवल का हो, मतलब कि यूनिवर्सिटी लेवल का, जैसे बात कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी का अगर एग्जाम ले रहा हो, या फिर कोई और हो, पीएसयू का एग्जाम हो, गेट का हो, या कहीं इंटरव्यू में बैठे हो, या किसी कंपनी में जॉब करने गए हो, एल्गोरिथम का काम हमेशा ही आएगा। डिजाइनर के पोस्ट पर बैठोगे, अगर अच्छा जॉब चाहिए, अच्छा जॉब जान लो आईटी सेक्टर में डिजाइनर का ही होता है, डिजाइनर के लिए एल्गो बहुत ही जरूरी है, एल्गो नहीं आता है नहीं काम कर सकते हो तुम, क्योंकि एल्गो आएगा तभी किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज में प्रोग्राम को लिख सकते हो। तो लैंग्वेज आने से क्या होगा, लैंग्वेज आ रहा है, लैंग्वेज जानते हो, लॉजिक ही नहीं पता है, एल्गो लॉजिक सिखाता है किसी काम को किस तरीके से किया जाए कि टाइम कम लगे। एल्गो नहीं पता होगा, कोई सॉफ्टवेयर बना दोगे, वो सॉफ्टवेयर बहुत टाइम लेगा, मतलब क्या है, स्लो हो जाएगा वो। कभी कभी देखिए होगे, प्ले स्टोर से कोई ऐप को डाउनलोड करो, छोटा ही ऐप है, काम ज्यादा बड़ा नहीं कर रहा है, ऐप बहुत छोटा है, टाइम बहुत ज्यादा ले रहा है, मतलब क्या है, वो ऑप्टिमाइजेशन सही से नहीं किया हुआ है, एल्गो का इम्प्लीमेंटेशन नहीं सही से किया हुआ है। एल्गो का इम्प्लीमेंटेशन होगा, कम टाइम में वही काम को करेगा, समझ रहे हो बात को। तो नेक्स्ट हम लोग डायनेमिक प्रोग्रामिंग देखेंगे, एल्गो का सबसे लास्ट टॉपिक है, इसको अच्छे से देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब तक जितना हुआ है सबको रिवाइज भी कर लो, क्योंकि डायनेमिक प्रोग्रामिंग के बाद में सब्जेक्ट ओवर हो जाएगा, लास्ट टाइम में ऐसा नहीं बचा रहे कि अच्छा अब सब्जेक्ट ओवर हो गया अब रिवाइज करना शुरू करते हैं, मुश्किल चीज है वो, इसलिए पहले से रिवाइज करते रहो। रिवीजन का साइकिल हमेशा ही चलते रहना चाहिए, जान लो, रिवीजन में कमी नहीं करना है, रिवीजन हमेशा चलते रहना चाहिए, रिवीजन हमेशा ही गोइंग ऑन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अच्छा एक बार रिवाइज कर लिए सो गए, फिर 20 दिन बाद उतना ही टाइम लगेगा, रेगुलर रिवीजन में रहोगे अगला रिवीजन में टाइम कम लगेगा, टाइम को मिनिमाइज करना है रिवीजन के, रिवीजन का टाइम तभी मिनिमाइज हो सकता है जब रिवीजन का फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो, मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम्स अगर रिवीजन कर रहे हो बहुत कम टाइम लगेगा अगले टाइम रिवीजन करने में, टाइम को कम करना है। जैसे ही रिवीजन टाइम कम हो गया समझ लो कंपटीशन निकल गया, अगर रिवीजन करने में बहुत टाइम लग रहा है मतलब कहीं ना कहीं गड़बड़ कर रहे हो, जान लो। तो रिवीजन में टाइम तभी कम लगेगा जब फ्रीक्वेंसी ज्यादा है रिवाइज करने का, जल्दी जल्दी रिवीजन कर रहे हो, और क्वेश्चन बनाओ थ्योरी भी अच्छे से, जितना भी बताए हैं सब थ्योरी को याद रखना, बस इससे बाहर कुछ आने वाला ही नहीं है कोई भी एग्जाम हो, ठीक है। फिर पढ़ाई करो अच्छे से।